सपा मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ आजमगढ़ से चुनावी मैदान में उतरे दिनेश लाल यादव निरहुआ इन दिनों खूब पसीना बहा रहे हैं। आसमान से बरसती आग और अंगारे सी दहकती कंक्रीट की कालीन पर चलकर निरहुआ सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। बड़े बुजुर्गों से जीत का आशीर्वाद ले रहे निरहुआ अपने नाम के मुताबिक निरहुआ रिक्शा वाला बनकर भी लोगों को खूब लुभा रहे हैं। 20 अप्रैल को ही नामांकन करने भव्य रोड शो के साथ निकले निरहुआ रिक्शे पर सवार होकर लोगों के बीच पहुंचे, जहां उन्हें लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने रिक्शे वाली तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर की है और लिखा है, पानी से नहाकर लोग लिबास बदलते हैं, पसीने से नहाकर हम इतिहास बदलते हैं। निरहुआ ने इस दो लाइन से बता दिया है कि वो आजमगढ़ की जंग जीतने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। गली गली चौराहे चौराहे लोगों तक पहुंच रहे निरहुआ की मेहनत पर एक ट्विटर यूजर ने उन्हीं के गाने से उनका हौसला बढ़ाते हुए लिखा है, श्रीमान आप लोग का वोट जदि पाएंगे केहू जवन किया नहीं करके दिखाएंगे। मेरे प्यारे आजमगढ़ वासियों, एक मौका दिनेश लाल यादव जी को दो। जिगरा बड़ा था टकराने आ गए, अब अखिलेश यादव को पता लगेगा राजनीति में शेर पुराने आ गए। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा है, आजमगढ़ में बदलाव की पुकार है, इसलिए साइकिल पर निरहुआ सवार है। आजमगढ़ की भी यही पुकार है, खत्म कर दो परिवार का गढ़, यही विचार है, क्योंकि इस बार आजमगढ़ में मोदी सरकार है। अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने की वजह से कुछ लोग निरहुआ से नाराज भी है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, अब न भोजपुरी में चलोगे और न ही राजनीति में, अपना खेल खत्म ही समझो बाबू। भोजपुरिया सुपरस्टार दिनेश लाल निरहुआ के लिए आजमगढ़ से चुनाव लड़ना किसी जंग से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव को चुनौती दी है, जो खुद यादव भी है, और आजमगढ़ में यादव वोट बैंक का प्रभाव भी अधिक माना जाता है। मगर दिनेश लाल निरहुआ को लगता है कि इस बार यादव लोगों का वोट भी उन्हें ही मिलेगा, क्योंकि यादव अखिलेश के साथ नहीं देश के साथ है। फिलहाल निरहुआ की ये बात कितनी सही साबित होती है ये तो 23 मई को ही पता चलेगा, जब चुनावी नतीजे आएंगे। मगर ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या चुनाव में पसीना बहा रहे निरहुआ जनता के समर्थन से इतिहास रच पाते हैं या नहीं। आइए निरहुआ का वो इंटरव्यू सुनाते हैं जिसमें वो आजमगढ़ को फतेह करने के लिए अखिलेश यादव के खिलाफ क्या रणनीति अपना रहे हैं, उस पर खुलकर बात कर रहे हैं।